सोमवती अमावस्या का महत्व। अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत को भी रखती है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन पीपल वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। अमावस्या तिथि को सोमवार दिन पड़ता है तो उस दिन पीपल वृक्ष भी आप लगा सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के सात बेटे, सात बेटी और उनकी सात बहुएं थी। साहूकार के घर रोज एक योगी आता था जिसे कि साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस योगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस योगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते योगी की बात बताती है। सारी बातें सुनकर माँ कहती है कि कल जब योगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह आखिर क्या कहता है। अगले दिन फिर योगी आता है तो साहूकार की पत्नी छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने के लिए वहाँ भेज देती है। योगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वह वही बात को दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग के बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल आती है और योगी को बहुत बुरा भला कहती है, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तुम हमें ऐसी ऐसी बातें कहते हो, गाली देते हो। योगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो भी लिखा है मैं वही सब सच तुम्हें बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुम्हें सब पता है तो इसे बचने का कोई उपाय तो बता दो। योगी कहता है कि सात समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका कि नाम सोना धोबन है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, अगर वह आकर इसे फल दे दे तब ही इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो सकती है। सारी बातें सुनकर माँ रोने लगती और सोना धोबिन की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में था। एक वहाँ पे सर्प आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सर्प को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी वहाँ पे आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों की सर्प से रक्षा की और तुम मुझे ही मारने का प्रयास कर रही हो। तो सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग, तुम जो भी मांगना चाहती हो वह मुझसे मांगो। तो साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे सात समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने उसकी बातों को सुनकर वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच तो गई लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाओ। सोना धोबिन की भी सात बहुएं थी लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में सब लड़ती और झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से घर का सारा काम उजाला होने से पहले ही करके चली जाती थी। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो कि घर का सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती। काम करने के बाद सोना धोबी ने भी देखी कि आजकल बहुत लड़ती नहीं है मेरी बहुएं, आखिर क्या बात है, और काम भी सारा मेरा हो जा रहा है। सोना धोबी ने सारी बहुओं को बुलाकर और पूछा
कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम आखिर कौन कर लेता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसलिए हम सब मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जाकर वह स्वयं सच देखने का प्रयास करने लगती है और कौन काम करता है यह सब देखने लगती है। रात होने पर सोना धोबिन छिप कर बैठ जाती है कि आखिर देखूं कि यहाँ कौन काम करता है। रात हो गई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही शाहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम आखिर कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम मुझसे वचन दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगी। वह वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंध गई थी। वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं, तो उन्हें तेल के कुएं में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सर्प आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सर्प वहीं पे मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की हैं, उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिल जाए। अब आगे जो अमावस्याएं मैं करूंगी उसका फल मेरे पति व मेरे पुत्रों को मिले। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगते हैं और सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हो जाती है तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। तो सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और वह चली जाती है। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा हुआ पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो जाता है। सब कहने लगते हैं कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया है। वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कथा कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या का व्रत करे, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कथा कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती माता, हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबका सुहाग देना और उनके घर को सुख और समृद्धि से भरा रखना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।